ये देखिए यहाँ इसके बटन है, ये ऑन ऑफ का और ये चार्जिंग बटन है। ये देखिए ये बटन दबा दिया इसने और ये ऑन हो चुकी है। तो गाइस इस तरीके से ये मशीन काम करती है, ये देखिए। तो इस तरीके से गेहूं में दवाई डाली जाती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और गाइस आज हम अपने खेत में दवाई डालने जा रहे हैं और मेरा फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा फ्रेंड। और ये मशीन में भी पानी डाल रहा है और भी इसमें दवाई डालेंगे। और वो जो सामने दिख रहा है आपको वो हमारा खेत है, तो उसमें हम दवाई डालेंगे, ठीक है। तो पहले इसमें मशीन में पानी कैसे भरते हैं और दवाई कैसे मिक्स करते हैं ये मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले देखते हैं और फिर आगे का काम देखते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये रही मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन है ये, इसके अंदर मोटर लगी हुई है, बस आपको हाथ में पकड़ना है और बटन दबाना है और बाकी काम ये खुद करेगी। तो ये देखिए पानी डाल रहा है इसमें। तो आप देख सकते हैं अभी इसमें पानी डाल रहे हैं। तो भाइयों ये पानी हमने भर लिया है इसमें और दवाई ये रही, ये देखिए दवाई कौन सी, क्या नाम है इसका, विक्टर। इसमें जो घास फूस है ना, जो कीट पतंगे, उनको मारने के लिए दवाई गेहूं में डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब यही बताएगा कैसे इसको डालते हैं, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं पता इस बारे में। अच्छा कितनी कैसे कैसे डालनी है, पूरी टंकी भर दी हमने, तो कितनी टंकी, इसमें कितना दवाई डालेंगे। हमारा खेत है उसके लिए हमें चार टंकी चाहिए आधी दवाई। ओके, एक चार टैंक तैयार कर लेते हैं पहले, मतलब एक खेत में चार टैंक डालेंगे हम। ओके, ये देखिए गाइस ये दवाई इसमें डाल रहे हैं हम, इसके ऊपर जो कैप होते हैं ना, लीड ढक्कन, तो उससे हम इसमें डाल रहे हैं दवाई और फिर इसको घोल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें से ये एक मग है, इस मग को पूरे को भर के इसी टंकी के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अभी ये देखो मिक्स कर रहा है, ये देखिए मिक्स हो गए। ओके दवाई दिखाना। तो गाइस ये रही दवाई, आप देख सकते हैं, और इस दवाई का नाम है विक्टर। तो ये कीट पतंगे मारने के लिए होती है। ये रेडी हो गया, तो अभी ये टैंकी रेडी हो चुकी है और इसे अब हम पीठ पे लगाते हैं और फिर खेत में दिखाते हैं कैसे डालते हैं। ओके, तो ऑल राइट, ये कमर पे हमने रख दिए और अब चलिए खेत में चलते हैं और फिर देखते हैं कैसे होती है ये। जो देखिए खेत में जा रहा है, तो चलिए मैं आपको वहीं पे दिखाता हूँ कैसे काम करती है। और ये जो दवाई है इसको भी मैं साथ में लेकर चलता हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो अभी हम खेत में पहुंचने वाले हैं और मैं आपको दिखा दूं, वो देखिए मेरा फ्रेंड तो रेडी है वो, और अभी देखते हैं कैसे चलता है। तो दवाई भी मैं साथ में ले आया क्योंकि पॉइजन है, तो इसको वहां रखना ठीक नहीं था, तो दवाई को मैं यहाँ रख देता हूँ। और अब देखिए ये खेत में घुस चुका है, ये देखिए यहाँ इसके बटन है, ये ऑन ऑफ का और ये चार्जिंग बटन है। ये देखिए ये बटन दबा दिया इसने और ये ऑन हो चुकी है। तो गाइस इस तरीके से ये मशीन काम करती है, ये देखिए। तो इस तरीके से गेहूं में दवाई डाली जाती है। वैसे मास्क रखना चाहिए क्योंकि ये इसकी जो गैस होती है वो अंदर भी जाती है, लेकिन मास्क नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इस चीज को, तो देखते हैं कैसे होता है। चलिए मैं आपको नजदीक से दिखा दूं, ये देखिए ये अभी इसकी सेटिंग कर रहा है क्योंकि इसका जो फ्लो है इसका, ये पानी का फ्लो उसे सही किया इसने और अब जा रहा है ये, ये देखिए। तो गाइज मैं अंदर तो घुस नहीं सकता क्योंकि जो दवाई है ये इसके कपड़ों पे भी लगेगी और मैं जाऊंगा तो मेरे कपड़ों पे भी लगेगी, तो मैं बस आपको बाहर से दिखाऊंगा कैसे होता है ये। तो गाइज ये पूरे खेत में ऐसे ही डालेगा और इस पूरे खेत में ना चार टंकी लगेगी, जो पीछे इसने मशीन लगा रखी है, ये चार बार हमें भरनी पड़ेगी और दवाई मिलानी पड़ेगी, तब जाके ये पूरा खेत कवर होगा। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा खेत है, वहां से लेकर उधर ये जो पोल खड़ा है ना, बिजली वाला पोल, वहां तक है ये। और इधर वहां जो पेड़ पीछे खड़े हैं, वो पॉपुलर के पेड़ है, वहां तक है और इधर यहाँ तक है। तो गाइस काफी बड़ा खेत है और दवाई का काम तो बता दिया मैंने आपको, इसमें कीट पतंगे जो होते हैं क्योंकि वो इसमें काला काला कुछ लग जाता है तो उसको मारने के लिए, और जो इसमें खरपतवार है यानी घास है उसको खत्म करने के लिए इसमें दवाई डाल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इसको भी पता नहीं है, ये भी पहली बार ही डाल रहा है दवाई, तो दोनों ही ऐसे हो गए। तो गाइस देखिए इस तरीके से वो जा रहा है
और फिर वहां से घूम करके वापस आएगा वो ऐसे ही। तो मतलब कुछ पार्ट है जो जहां तक इसका जो फनल है, जो इसका फुहारा है ना पानी का, वो जहां तक जाता है उस एरिया में पूरे में दवाई डालते हैं और फिर घूम के ऐसे ही वापस आते हैं। तो इस तरीके से दवाई डाली जाती है और हमें भी एक्सपीरियंस नहीं है इतना, तो पहली बार डाल रहे हैं, तो देख सकते हैं आप ऐसे ही डाली जाती है और हमने बस देखा है अब तक, डाली कभी नहीं है, तो आज डाल के भी देख रहे हैं पता लग रहा है। और मैं तो फिर भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा दोस्त कर रहा है, तो बाद में मैं भी करूँगा, देखते हैं। तो गाइज वो देख सकते हैं अब वो इधर की साइड घूम गया है और वहां से इधर आएगा वो, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे कैसे आएगा वो। तो गाइज आप देख सकते हैं कितना छोटा सा लग रहा है वो, देखिए। तो वो जैसे जैसे नजदीक आएगा ना वैसे वैसे वो बड़ा होता दिखेगा आपको, ठीक है। तो देखते हैं कितनी देर में आता है वो यहाँ पर। तो गाइज देख सकते हैं वो नजदीक आ गया तो बड़ा होता दिख रहा है ना आपको। हमने खेतों का काम पहले भी किया और अब भी करते हैं, लेकिन दवाई को मैंने कभी नहीं डाला, वो उसने भी, वो भी पहली बार डाल रहा है। और वैसे फावड़ा वगैरह तो सब चला लेते हैं, गेहूं बोना भी मैं जानता हूं और गन्ने काटना वगैरह सब कुछ जानता हूं मैं, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ना ये मैंने कभी नहीं किया और इसने भी नहीं किया, तो ये पहली बार डाल रहा है। और गाइज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत पसीने आ रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको पसीने दिखेंगे। ये देखिए गाइज, ये दिख रहा होगा आपको पसीना है ये, तो इतनी ज़्यादा गर्मी है फिलहाल। तो घर जाके तुरंत नहाना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा टेम्परेचर डाउन होगा, नहीं तो अभी तो उबल रहे हैं आप देख सकते हैं, यहाँ तक ये आ गया है। तो इस तरीके से देखिए ये जो इसके फवारा है ना, जो पानी निकल रहा है, देखिए कितनी दूर तक जा रहा है, ये लगभग 5 मीटर का एरिया कवर कर रहा है, इतना तेज पानी है ये जो इसमें से निकल रहा है मशीन से, ये देखिए। तो यार अंदर एक तो काम कर रहे हो, ऊपर से गर्मी, तो आप देख सकते हो कितनी गर्मी लग रही होगी इसको। और फिर ये गेहूं के अंदर भी घुसा हुआ है, तो गेहूं के अंदर जो है ना, गेहूं में ये देखिए, अब मैं आपको इधर दिखा दूं, ये देखिए गेहूं के ऊपर ये होते हैं, ये इस तरीके का गेहूं के ऊपर होता है, ये बहुत तेज चुभता है। तो गाइस इसको ये चुभ भी रहा होगा, तो मतलब कुल मिला के बहुत गर्मी लग रही है इस टाइम, ये देखिए गाइस। तो आप देख सकते हैं ये इसका फनल है और यहाँ से दवाई निकलती है, ये देखिए। और गाइस लोग देखते जा रहे हैं, ये देखिए वो कैसे देख रहा है मुझे, वो बाइक वाला जो जा रहा है ना वो देखिए, तो मुझे देखता जा रहा था। तो लोग यार, लोगों को कभी ऐसे करते हुए देखा नहीं हमारी तरफ, मैं फर्स्ट हूँ जो ऐसे कर रहा हूँ, तो उनको समझ में नहीं आता कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो वो देखते हैं ऐसे, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही देखते हैं। और आप देख सकते हैं ये इसकी मशीन खत्म हो चुकी है, देखिए पानी खत्म हो गया है, अभी वो आ रहा है वहां से और अब इसमें दोबारा हम रिफिल करेंगे पानी और फिर इसमें दवाई मिलाएंगे और तब इसे दोबारा से ऐसे ही खेत में डालेंगे। ओके खत्म हो गया, ये देखिए जहाँ से पानी निकलता है ना ये है, और इसमें वजन बहुत ज्यादा होता है, मतलब कमर जो है ना बिल्कुल थक जाता है आदमी, इतना ज्यादा वजन होता है इसमें, लगभग इसमें 15-16 लीटर पानी आ जाता है। और आप देख सकते हो इतनी देर उसे कमर पे रखना और ऊपर से काम भी करना, तो यहाँ पर देखिए ये मैंने दवाई रखी हुई है यहाँ पर, ये देखिए पानी में, और अब इसमें एक मग हम दवाई डालेंगे, ये देखिए डाल रहा है आराम से। तो गाइस एक मग के करीब हमने डाल दिया, अभी मग नहीं था हमारे पास इसलिए हमने अंदाजे से ही डाल दिया, और अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो इसे हम वहाँ पर ले जाएंगे जहाँ पर हमारा हैंड पंप है। तो देखिए बाल्टी मेरे हाथ में और हैंड पंप की ओर हम जा रहे हैं, अब चलिए मैं आपको हैंड पंप पे ही दिखाता हूँ जा करके। और ये रहा हैंड पंप, तो ये रही दवाई, इसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, और अब हम इस जो हमारी मशीन है इसमें पानी भरेंगे, तो आप देख सकते हैं। ओके अब मैं इस हैंड पंप को चलाऊंगा और इसमें हम पानी भरेंगे, ठीक है। तो ये देखिए गाइस, और अब हम इसमें मशीन में पानी डालेंगे। ओके तो गाइज इस तरीके से हम इसे टंकी को भरते हैं, तो गाइज टंकी हमारी भर चुकी है और ये रही हमारी बाल्टी। तो अब देखिए इसे दोबारा से हम इसे ये कमर पे लगाएगा और उसके बाद हम खेत में जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए खुद ही लगा लेगा, लड़का जवान है ना इसलिए काफी मजबूत ताकत है इसमें, तो ये देख सकते हैं कमर पे रख लिया, और बहुत ज्यादा वजन होता है यार इसमें, 15-16 किलो वजन है, और आप देख सकते हैं इतनी देर ये कमर पे ही रखेगा इसको, ठीक है। तो चल भाई लग जा मिशन पे। तो ये देखिए गाइज ये रेडी हो चुका है, तो गाइज वापस से हम खेत में आ चुके हैं, ये देखिए मैंने दवाई यहाँ पर रख दी है, और वो देखिए रजत को, वो वहां पर वापस से चला गया खेत में और दवाई डाल रहा है। तो गाइज कहने का मतलब है इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है गेहूं की फसल में, दवाई डालो पानी दो
फिर उसकी बुआई करो, फिर कटाई करो और फिर मशीन में से निकालो, तब जाके खाने के लिए गेहूं मिलता है गाइज। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा हार्ड वर्क है। तो गाइज बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो भाइयों देख सकते हैं मशीन हमारी पूरी कंप्लीट खत्म हो चुकी है और देखिए वो आ रहा है। तो गाइज आप देख सकते हैं इतना ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है तब जाके हमें खाने के लिए गेहूं मिलता है। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो को एक लाइक आप जरूर करना और गाइज इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।